दुनिया में गलत करने वालों की कमी नहीं है, पर गलत करने वाले दो तरीके के होते हैं। एक वो जो जान पूछ के गलत करते हैं क्योंकि उनके मन में दया नहीं होती, और दूसरे वो जो गलत कर जाते हैं क्योंकि उनके पास पूरी जानकारी नहीं होती। तो कुत्तों ने काटा ये, तो इतना मांस तो नहीं ले जाते हैं। वही तो, डॉग बाइट के चांसेस कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमें बाइट के दांतों के निशान नहीं दिखे। इसको कीड़े पड़ गए, कीड़ों ने खाया ये। नहीं 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 टॉम, अच्छा धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टेडली। आई बॉल है लेकिन कलर चेंज हो चुका है उसका। इसमें मैगट मून था, हमें लग रहा है कि इन्होंने कोई केमिकल का यूज किया है कीड़े मारने के लिए। ट्रीटमेंट में थोड़ा सा दिक्कत इस बात की है कि हम इसको प्रॉपर मजल नहीं कर सकते, अगर मजल कर दिया प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। मैं जब हल्की सी पेन होती है तो डॉग बाइट का खतरा तो रहता है। अगर आपको कोई जानवर मिलता है जिसको कीड़े पड़े हुए, तो आप उसके घाव में तारपीन का तेल, डीजल, फिनाइल, डिटॉल ये बिल्कुल भी ना डालें। आप डाल सकते हैं मेगासाइट, नेगासुन पाउडर, आइवरमेक्टिन या डीमैक्स स्प्रे, पर बेहतर तो ये होगा कि आप उसको किसी वेट के पास या किसी रेस्क्यू में ले जाएं। डॉग वाइट की वजह से मैगट मून हो रखा है, लंबे समय तक ट्रीटमेंट नहीं मिली है तो मैगट्स मतलब संख्या बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा। इसका मैगट्स रिमूव करने के लिए जो पाउडर है हमने वो यूज़ किया है, पेन किलर और एंटीबायोटिक्स तो वो हमने स्टार्ट कर दिए है। उसकी कंडीशन धीरे धीरे बेटर हो रही है क्योंकि वो हमारे पास उसको डेली ट्रीटमेंट के लिए ला रहे हैं। अगर वो भी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास डेली ना लाते तो उसकी कंडीशन वर्सन होके और ख़राब हो सकती है। और अब आते हैं उन गलतियों पे जो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके मन में शायद दया भाव की थोड़ी कमी रह जाती है, जैसा कि हमने तब देखा जब हम थैनोस को पूरी तरह ठीक करके रिलीज करने गए। थैनोस वही बैल है जिसको ठीक करने में हमें महीनों इसलिए लग गए क्योंकि उसके पीनस में चोट लगी हुई थी। इसकी स्किन में जो जख्म थे वो हील हो चुके हैं, अभी हम उसको रिलीज कर रहे हैं। जिसने आपको फोन किया ना, हाँ। उस आदमी को ढूंढो, उसको फोन करो, डिटेल लो, बोले फिर बैल को छोड़ो। ऐसे नहीं है, कौन से एनजीसी आए हो? पीपल फार्म। उसने कुछ प्रूफ तो होगा ना आपके पास कि आप एनएनटी का है? ये नाम है पीपल फार्म, ये नंबर है, ये एड्रेस है। फिटनेस तो ना, हमारे पास पूरा वीडियो है। घबराई हुई हालत में बताया था कि इसके पेट के नीचे बहुत बड़ा जख्म हो रखा है। आपने कोई गलत काम नहीं किया, हमने ऐसा आपको बोला भी नहीं है। किसने कॉल की है ना आपको, उसका नंबर मिला? सर आपने कॉल की थी ना एनजीओ वालों को कि बेल को लगी हुई किसी को, और आप ले जाओ ट्रीटमेंट करो। ओके ओके, अब वो फरीदाबाद से बंदा है, वो यहाँ से है नहीं, अब उसको हम लोग कहाँ ढूंढे? तो बेसिकली वहाँ का नहीं था ना, इन लोग भी नहीं मान रहे थे, लोग भी फिर भी हमको एक सजेशन भी दिया कि उसको बोलो कि भाई ये सही इलाके का वार्डबंद या प्रधान, उसकी मजदूरगी में उठाना ऐसे मत उठाना, ठीक है? ठाकर द्वारा में जाओगे तो भी ऐसे ही करना, क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो अगली बार हमें किसी बछड़े के बारे में फोन आता है जिसकी आंख फूट रखी है, या किसी बैल की जिसकी किसी ने दराज से पूंछ काट दी है, तो हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव टीम साथ लेके चलेंगे जो सारे सरकारी अफसरों को ढूंढ के, एप्लीकेशनें दे के, 3 दिन टेंट लगा के सारी औपचारिकताएं पूरी करे, और फिर हम उस मरते हुए जानवर को बचाने का प्रयास करेंगे। खैर अभी जो आपने ये ड्रामा देखा, ये हमारे पास दिखाने को और भी बहुत कुछ है और कहने को भी बहुत कुछ है। आप कॉमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप वो देखना चाहेंगे। काम के बाद हम घर जा रहे थे तो मुझे एक डॉग देखा जिसके फ्रंट लेग में पिक ट्रैप लगा हुआ था। उस टाइम हमने पकड़ने की कोशिश की पर वो हमारे पास नेट कुछ नहीं था पकड़ने के लिए, तो वो हाथ में नहीं आ रहा था। तो नेक्स्ट डे हम फिर उसको ढूंढने जा रहे थे तो गेट के ऊपर दो लड़के आए हुए थे कि उनकी गाय पहाड़ी से गिर गई है और पहाड़ी के सेंटर में फंस गई है। वो चगाने छोड़ी थी ना हमारी गाय के लिए खाई में। रास्ता जाने का वहाँ पे? हाँ जाने का, जाने का रास्ता है, एक बार चेक कर लो उसके बाद फिर बता दो, फिर आ जाते हैं हम लेने। बची है जिंदगी है गाय, यहाँ पे थी इस पॉइंट पे, पर पूरी रात रहने की वजह से वो काफ़ी परेशान हो गई और नीचे चली गई है। उस पॉइंट से नीचे जाने के लिए फिलहाल रास्ता नहीं है, और नीचे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो गाय जो है नीचे जो है वो समतल एरिया, वहाँ पे वो गाय कहीं भी रन कर ले। उसका जो ओनर है उसको बोल दिया वो झाड़ियाँ जुड़ियाँ काटेगा, अगर एमरजेंसी उनको ज़रूरत होगी तो हम उनकी हेल्प करेंगे। बड़ा जो है वो रोक दिख गई है पहले, वो खानी है। हाँ ये क्या बैठी है भाई, ओ बैठी है बेचारी। लोगों की कड़ाकी चढ़ाई है, वो जानवरों को पकड़ने के लिए नहीं चढ़ाते हैं, वो कस जाती है वो वाली। अब यहाँ के जो लोकल बंदों को बोल दिए कि जैसे वो दिखती है तो आप हमें कॉल कर देना।
कैसे हैं मेरे चारों बच्चे लोग? हाय। ओके। तो बहुत क्यूट हो। मम्मा को तंग तो नहीं करते? आप लोगों के तो दोनों भाई घर तो चले गए। आप लोग अभी लाइन में हो, है ना? जाना है कि नहीं? घर जाना है कि नहीं? मसाज चाहिए? मसाज चाहिए? तुम लोग इतने छोटे क्यों नहीं रहते जिंदगी भर? कुत्ता पकड़ा हुआ है? ठीक है जी, धन्यवाद। अभी वो जो आंटी है वो कह रही है कि हमने पकड़ा हुआ है। कुत्ते को डीबीटी हो गया है। वो आते हैं जो बेड़े वगैरह वाले, तो वो छोड़ गए। गद्दी लोग रह गए, यहीं पे रहती है अभी। जब से ये इसको जख्म हुआ तब से सभी लोग इसको इग्नोर ही कर रहे हैं। है अभी कुछ आ गया? कहाँ हो गया ये गंदू? ऐसे बड़ा वाला भाई चौक के ले आया वो। आ जा कुछ, आ जा, गुड गर्ल, चल बड़े ये देख। आया उधर, आ जा, आ जा, आ जा, चल तुम आ जाओ। हाय हाय, कैसी है? ठीक हो जाएगा तू? घी घी हो जाएगी, जाएगी, हो जाएगी। बैल है, उसकी टेल कटी हुई है। पहले तो यहीं पे था ना, उस वहाँ से बंदे ने भगा दिया उसको ऊपर की तरफ। इसमें बहुत सारे कीड़े पड़ गए थे ना, फिर इसका ट्रीटमेंट करवाया, ठीक हो गया। फिर इसको माड़ा सा जख्म हुआ था, उसमें वो स्प्रे की ना, काफी दिनों के बाद हमें दिखाई नहीं दिया। बचा हट, बचा हट। ड्राएगा सबको? जो बंदा था जिसने उसका पहले भी ट्रीटमेंट कराया था, उनकी पहले भी उसको ये प्रॉब्लम आ चुकी थी, तो पहले लोकल वेटनरी डॉक्टर ने उसको ठीक किया था और फिर दोबारा प्रॉब्लम आई, तो वो बंदा आ गया था वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा काम हो गया। फिर वो भी हमारे साथ चला जहाँ तक रैंप तक, जहाँ पे हमने उसको चढ़ाया। अभी हमने इसके रूम की क्लीनिंग की है, प्लस हमने इसमें आइवरमेक्टिन प्लस मेगासाइड प्लस निकोसिन पाउडर लगाया, जिससे कि थोड़ा मैगट्स को मरने में हेल्प मिलेगी। तो कल हम मैगट्स को निकाल के फिर से अच्छे से वुंड की फ्लशिंग करेंगे, इफेक्टिव ऑर्गेनिज्म सारे क्लियर आउट हो जाए, जो भी डेब्रिस है वो निकल जाए। बच्चों की गलती के शिकार पप्पू की कहानी तो हमने आपको बता ही थी। अब पप्पू ठीक हो गया और इसको रिलीज करने का टाइम आ गया, पर क्या है कि गलतियाँ करने वाले बहुत ज़्यादा हैं और गलतियाँ सुधारने वाले बहुत कम। तो जानवरों की जनसंख्या की रोकथाम ही एकमात्र उपाय हमारी समझ में आता है, इसलिए हमने पप्पू को रिलीज करने से पहले। अक्षित भाई, गौरव भाई, आ जाओ। की रस्सी अलावा नहीं 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 करेंगे सर, रस्सी में टांग तोड़वानी नहीं, मैंने अभी वैसे टूट टूट रह गई है। बस ये पकड़ना है आपको, पागल। वो बैठा है, चुपचाप जाइए अपने आराम से। बांधने की कोशिश कर रहे थे, बनी नहीं थी। नहीं नहीं, बस 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 बस, नहीं यार भाई, भाग गई यार। अब तो नहीं आएगी, आज तो नहीं आएगी। जब तक नेट आया यहाँ पे अंदर बैठ गई, जब तक तो ये ऐसे कर लगा उससे पहले, तो आप कमरे के अंदर जाओ उसको। पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ना। ला, अभी हमने सर्जरी स्टार्ट कर दी, अगर और भी होगी ना कोई यहाँ पे तो करना कॉल आपने। तो ये डॉग तो हमारी पकड़ में आया नहीं, पर जो भी डॉग हमारी पकड़ में आ रहे हैं हम उनकी स्टरलाइजेशन कर रहे हैं। हमारी जीवन में भी यही अप्रोच है कि भाई जो समस्या पहुंच से बाहर है उसको छोड़ दो और जिस समस्या को आप निपटा सकते हो उसको निपटा दो।